नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीवीसी विंडो के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं पड़े। तो शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आपको इस टॉपिक में पूरा अच्छा इंफॉर्मेशन लेना हो तो पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो को दो पार्ट में अपलोड करते हैं, क्योंकि 30 मिनट का आधे घंटे का वीडियो कोई देखेगा नहीं। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट वन है, साथ साथ तुरंत ही इसका पार्ट टू भी अपलोड करेंगे। तो अगर आपको दोनों को साथ साथ देखना हो तो आप साथ साथ देख लीजिएगा, नहीं तो दो अलग अलग वीडियो है। पार्ट वन अभी देख लीजिए, पार्ट टू बाद में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यूपीवीसी विंडो के बारे में। इस वीडियो को हम चार तरीके से डिवाइड किया हुआ है। पहला, यूपीवीसी विंडो क्या चीज है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो सेगमेंट है उसमें बात करेंगे कि एक अच्छी क्वालिटी की यूपीवीसी विंडो को आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि ये जो यूपीवीसी विंडो हम लगाने वाले हैं या जो भी वेंडर हमारे पास आया है यूपीवीसी विंडो बेचने के लिए, क्या वो अच्छी क्वालिटी का की यूपीवीसी विंडो हमें दे रहा है या नहीं दे रहा, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे एडवांटेजेस, यूपीवीसी विंडो लगाने के एडवांटेज क्या है, और आखिरी में हमेशा की तरह बात करेंगे यूपीवीसी विंडो लगाने के डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीवीसी विंडो होती क्या है। तो यूपीवीसी का मतलब होता है अनप्लास्टिसाइड पीवीसी। अनप्लास्टिसाइड मतलब पीवीसी में से, पॉलीविनाइल क्लोराइड में से प्लास्टिक जो है कॉम्पोनेंट वो बाहर निकालने से वो जो मटेरियल होता है, वो जो केमिकल होता है, वो रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिससे कि उससे खिड़की बन सकती है। खिड़की हार्ड होनी चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी वीडियो में मिल जाएगी, बहुत ज्यादा इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। अब इसको खिड़की बनाने के लिए जो प्लास्टिक का सेक्शन आता है, जो दिखता है, विजिबल जो चीज है बाहर से जो दिखता है, वो यूपीवीसी का स्ट्रक्चर दिखता है, जो बहुत सुंदर लगता है काफी सारे लोगों को उसमें कुछ कमियां भी दिख सकती है। अब उसको मजबूत करने के लिए, जिससे कि ये खिड़की बनने के लायक हो, इसके अंदर एमएस का मतलब गैल्वनाइज स्टील का सेक्शन इंसर्ट किया जाता है, इसके अंदर डाला जाता है उसको ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए। उसका जो इंसर्ट होता है वो 1 mm से लेकर 3 mm तक की थिकनेस के अलग अलग क्वालिटी के इंसर्ट्स डलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किस क्वालिटी का डला हुआ है। तो ये जब क्वालिटी की बात करेंगे तब बात करेंगे। ये जो पीवीसी यूपीवीसी का जो सेक्शन होता है ये अलग अलग थिकनेस के आते हैं, मतलब 60 mm, 70 mm, और अब तो बहुत ज्यादा वेरायटी आने लगी है, तो मुझे बहुत सारी बात करने की जरूरत है उसमें सेक्शंस के बारे में। जो भी आपका वेंडर आए उनसे बात कर सकते हैं, या आप गूगल भी करेंगे उससे भी पता चल जाएगा कि कितनी तरीके के सेक्शंस इसमें आते हैं। तो बहुत सारे सेक्शंस आते हैं इसमें। यूपीवीसी विंडो जो है उसका जो रेक्टेंगुलर या जो स्क्वायर सरफेस होता है, जो चारों तरफ से या जहां पे भी सेक्शंस लगते हैं, इसको ज्वाइंट करने के लिए, जोड़ने के लिए स्क्रू काम में नहीं लिया जाता है, ये वेल्ड किया जाता है, वेल्डिंग करी हुई होती है, मतलब जोड़ा होता है वेल्डिंग से, मतलब प्लास्टिक वेल्डिंग करी होती है, लोहे की वेल्डिंग नहीं, प्लास्टिक वेल्डिंग करी होती है और मशीन से वेल्डिंग होती है। चूंकि हम खिड़की की बात कर रहे हैं तो इस सेगमेंट से अगले सेगमेंट में जाने के लिए थोड़ी सी छोटी सी बात करते हैं, जो अपने लिए जो यूजर है, जो काम में लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो खिड़की जो है, खिड़की आपको या मुझे क्या क्या देती है, और खिड़की के होने की वजह से कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। फायदे क्या क्या है, खिड़की होने से हमारे घर के अंदर, हमारे मकान के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे प्रेमाइसिस के अंदर लाइट आ सकती है, फ्रेश एयर आ सकती है, जब आप खिड़की खोल देंगे तो एकदम शुद्ध हवा अंदर आ सकती है, या अंदर बहुत ज्यादा घुटन जैसी स्थिति हो रही है तो घुटन बाहर निकल सकती है, थोड़ी ठंडी हवा, मतलब कोल्ड ब्रीज, जो ठंडी ठंडी हवा आती है ये आ सकती है, तो उसका मतलब ये हो गया कि भाई आपको वेंटिलेशन देती है ये, बाहर के नजारे देखने में खिड़की आपको मदद कर सकती है, मेरे सामने वाली खिड़की में तो। और इसमें कुछ कमियां भी रहती है, जो खिड़की होने से जो समस्या आ सकती है, एक खिड़की से वाटर सीपेज करके अंदर आ सकता है, हीट गर्मी, मतलब जो बाहर की जो गर्मी है वो अंदर आ सकती है, बाहर की ठंडक अंदर आ सकती है, नॉइज आ सकती है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और सेफ्टी का इश्यू हो सकता है कि खिड़की तोड़ के कोई आदमी, ऐसा आदमी जिसको कि आप नहीं चाहते कि वो अंदर आए, वो आ सकता है। तो ये जो यूपीवीसी विंडो जो है ये पॉपुलर, सबसे ज्यादा जो फेमस क्यों है, ये नॉइज को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल करती है, सबसे मेन जो रीजन है इसका बहुत ज्यादा फेमस होने का। जो बाकी सारे जो एडवांटेज है वो एक अलग है, लेकिन ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से लोगों को ये खिड़की बहुत पसंद आती है, और ये बिल्कुल सही है।
यूपीवीसी विंडो एक इकलौती ऐसी खिड़की है जो कि बिल्कुल तेज, अगर सपोज मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, अगर आपकी फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें चल रही है और उस फैक्ट्री में जो ओनर है उनका जो कैबिन है उसमें अगर यूपीवीसी विंडो लगी हुई है अच्छी क्वालिटी से, प्रॉपरली बनी हुई, डबल ग्लास लगा करके अंदर एर्गॉन गैस वगैरह फिल करके, तो जैसे आप खिड़की खोलेंगे तो पूरी फैक्ट्री की आवाज कैबिन के अंदर आएगी, और जैसे खिड़की बंद कर देंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई आवाज अंदर नहीं आएगी, फैक्ट है। अब जब भी आप यूपीवीसी विंडो लगा रहे हैं अपनी प्रेमाइसेस में तो क्या देखेंगे कि आप एक तो जो पीवीसी कंपोनेंट है, जो पीवीसी जो दिखना है विजिबली जो दिखेगा और जो ज्यादातर समय आपको जो सर्विस देगा वो किस क्वालिटी का है, कैसी प्लास्टिक है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, लेड फ्री है या नहीं है, इसमें जो यूवी प्रॉपर्टीज, जो क्रैक नहीं होना, फ्लेक्स जो मतलब पपड़ियां नहीं निकले, या उसका कलर डिसकलर नहीं, जैसे सपोज मान लीजिए आपने व्हाइट कलर की यूपीवीसी विंडो लगाई तो वो पीली नहीं पड़ जाए, उसके लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड करके केमिकल होता है उसका कितना परसेंटेज, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कितना डला है, ये आप सवाल अपने वेंडर से कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पीवीसी की जो प्रोफाइल है उसकी चौड़ाई कितनी है, कितनी चौड़ाई वाली प्रोफाइल आपका जो वेंडर है वो लगाने वाला है, जिससे कि उसमें जो ट्रैक वगैरह काफी अच्छे से आसानी से मूव कर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूपीवीसी विंडो के जो प्रोफाइल होते हैं काफी विड्थ वगैरह अच्छी वैरायटी में इसमें विड्थ अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको मतलब बहुत समय तक ट्रबल फ्री सर्विस मिल सकती है। तो जो मैंने जो क्वालिटी बताई प्लास्टिक की क्वालिटी और उसका जो कॉम्बिनेशन किस तरीके का है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड उसमें जब बनाते समय डाला गया कि नहीं गया, तो यूवी प्रॉपर्टीज है या नहीं है, फ्लेकिंग क्रैकिंग वगैरह नहीं हो, ये चीज आप अपने वेंडर से जरूर पूछ लीजिएगा। फ्लेकिंग क्रैकिंग मतलब उसमें से पपड़ी नहीं उतर जाए, प्लास्टिक ऐसे क्रैक करके टूट नहीं जाए, ऐसा ये आप पहले ही उससे पूछ लीजिएगा, और उससे कुछ लिखित में मतलब उसके बोले हुई बात मत मानिएगा, मतलब राइटिंग में कुछ होना चाहिए, गारंटी वारंटी वगैरह इस तरीके की। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई भी जो यूपीवीसी विंडो की जो प्रोफाइल कंपनी बनाएगी वो FR फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज उसमें रहेगी, फिर भी एक बार आप अपनी तसल्ली के लिए जो भी वेंडर है उससे FR की रेटिंग या FR की सर्टिफिकेशन उसकी जो प्रोफाइल है उसको मिली हुई है नहीं हुई है ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा। जो रेन ट्रैक्स है, जो बरसात आने की वजह से जो खिड़की के कांच में पानी टकराएगा और ऐसे बह के अंदर जो चैनल्स वगैरह है उसमें पानी जाएगा, तो उसमें से जब पानी बाहर निकलेगा तो जो रेन ट्रैक है उसमें जो पोर्स है जिसको पानी को बाहर निकलने के लिए वो किस तरीके से बने हुए रहेंगे वो एक बार आप पूरा प्रॉपरली अच्छे से चेक कर लीजिएगा, और वो जो वेंडर है वो इस चीज को कैसे इंश्योर करेगा कि बरसात का पानी अंदर नहीं आए, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बातों बातों में आ गई कि जब भी आप यूपीवीसी विंडो लगा रहे हैं या कोई भी विंडो लगा रहे हैं तो खिड़की में ग्रेनाइट की सिल्स, विंडो सिल्स जिसको बोलते हैं, वो जरूर कोशिश कीजिएगा लगाएं, और अगर बाय चांस मान लीजिए किसी कारण से आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे हैं तो जो मैसन है, जो खिड़की बना रहा है उससे इंश्योर कीजिएगा कि खिड़की का जो अलाइनमेंट है बिल्कुल परफेक्ट सीधा होना चाहिए, सो दैट कि कोई भी खिड़की लगे तो खिड़की में गैप्स नहीं आए, कोई टेढ़ी मेढ़ी दीवार नहीं बनी हुई हो जिसकी वजह से वह गैप आ जाए तो सारा किया कराया सब बकवास बेकार हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा सजेशन ये है कि आप हमेशा जब भी खिड़की बनाए तो खिड़की के चारों तरफ ग्रेनाइट की सील्स जरूर लगवा ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने वेंडर से पूछिएगा कि वो जो पीवीसी की जो प्रोफाइल है उसका जो स्क्वायर फॉर्मेट है, ये जो भी फ्रेम बना रहा है उसको वेल्डिंग कैसे कर रहा है, क्योंकि उसको वेल्ड करके जोड़ा जाता है और उसमें जो अच्छी प्रॉपर मशीन टूल्स वगैरह उसके पास अच्छी क्वालिटी की हो ताकि बहुत अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो जाए और उसकी बॉन्डिंग परफेक्ट हो, सो दैट कि क्या है कभी जो सर्दी गर्मी की वजह से, वैसे यूपीवीसी में बहुत ज्यादा मेजर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है लेकिन कुछ तो होता ही है, तो वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वेल्डिंग खुल नहीं जाए या इम्प्रॉपर वेल्डिंग करी हुई हो और वेल्डिंग खुल जाए तो आपके लिए एक समस्या हो सकती है। तो ये भी एक बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रोफाइल है उसकी वेल्डिंग प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही है और जो आपका वेंडर है उसकी वेल्डिंग कैसे करने वाला है। तो इसमें क्या है चैलेंज जो है कि खिड़की जो आपके यहाँ लगेगी वो अगर किसी बड़ी मशीन से, किसी अच्छी मशीन से वेल्डिंग होने वाली है तो ये उसकी फैक्ट्री में वेल्ड होके आपके यहाँ पे आके लगेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बहुत सीरियसली लीजिएगा कि वेल्डिंग बहुत प्रॉपरली और अच्छे से की हुई है या नहीं की हुई है, किस मशीन से की जा रही है और उसकी जो गारंटी वारंटी वगैरह कितनी है कि वेल्डिंग खुलेगी।
अब इसके बाद वाली जो पॉइंट है वो क्या है, खिड़की में कांच लगता ही लगता है, तो कांच को हटाने की जो सिस्टम है वो कैसा रहने वाला है। तो इसमें भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्लास को हटाने का जो प्रोविजन है वो अंदर की तरफ से ही होना चाहिए, किसी भी हालत में गलती से मजबूरी में। वैसे 99% इसकी जरूरत नहीं होगी, कोई भी कंपनी जो बना रही होगी उसका प्रोविजन अंदर से ही देगी। फिर भी एक बार आप अपनी तरफ से अपने वेंडर से पूछ लीजिएगा कि जो ग्लास रिमूविंग पॉसिबिलिटीज है, जो मैकेनिज्म है, जो किस तरीके से खिड़की खुलेगी, वो अंदर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं हो। नहीं तो आपको पता ही है, बाहर से अगर कांच निकालने की सुविधा होगी तो क्या हो सकता है तो कोई भी आपके घर के अंदर घुस सकता है, जिसको कि आप नहीं चाहते कि वो घर के अंदर घुसे। तो यहां तक है पार्ट वन। अब मिलते हैं पार्ट टू में, जो कि तुरंत ही हम अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपका एक्साइटमेंट हो तो पार्ट टू में तुरंत जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप जरूर उसको देखिएगा। जय हिंद।